चलिए इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। बाराबंकी से खबर, सरयू नदी में नहाने गए 5 बच्चे डूब गए हैं, 2 बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं, 3 बच्चे अभी भी लापता है। टिकैतनगर थाना क्षेत्र के चिर्रा गांव की घटना है, बड़ा हादसा हो गया, सरयू नदी में नहाने गए थे बच्चे। देखिए गर्मी का समय है, ऐसे में छोटे बच्चे अक्सर नदियों में नहाने जाते हैं और ऐसे में नदी में नहाने के दौरान ही बड़ा हादसा हो गया। आप देख सकते हैं यही वो नदी है जहां छोटे बच्चे नहाने गए थे, 5 डूब गए, 2 के शव फिलहाल जो है बरामद कर लिए गए हैं, 3 बच्चे अभी भी लापता है। खबर पर हमारे सहयोगी नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। नितेश, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं नदी के तट पर बहुत सारे लोग इकट्ठा है, बताया जा रहा है कि 5 बच्चे नदी में डूब गए, क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल, देखिए हम आपको बता दें कि ये मामला बाराबंकी के टिकैत नगर का है। यहाँ पर घाघरा नदी पड़ती है और वहाँ पर बच्चे जो है वो नहाने गए थे। जैसे ही जानकारी कुछ देर बाद वहाँ पर आती है कि जो बच्चे नहाने वहाँ पर गए थे वो पानी में डूब गए हैं और इन बच्चों की संख्या 5 थी। दोपहर में नहाने गए थे, वहीं पर एक चिर्रा गांव पड़ता है, वहीं के बच्चे थे और 5 बच्चे जब नहा रहे थे इसी के बीच में 5 बच्चे नदी में डूब गए। जैसा कि अभी हमारे एडिशनल SP अखिलेश नारायण सिंह से बात हुई है तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 2 बच्चों को पहले बरामद किया गया था जिसके बाद उनको उपचार के लिए भेजा गया जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाकी वहां पर गोताखोरों की टीम लगाई गई है, अभी और बच्चों को जो शेष बच्चे 3 बच्चे हैं उनको ढूंढने की कयावत चल रही है, लगातार वहां पर कयावत चल रही है। जिलाधिकारी बाराबंकी और पुलिस अधीक्षक बाराबंकी वहां पर पहुंच चुके हैं। जी नितेश, जिस वक्त ये बच्चे नहाने गए थे उस वक्त आसपास कोई मौजूद नहीं था? जी देखिए, नदी के कई मुहाने पड़ते हैं, कई किनारे पड़ते हैं तो बच्चे किस जगह पर गए थे उस समय वहां पर कोई मौजूद नहीं था इसकी जानकारी मिल रही है। और चूंकि बड़ी नदी है और इसके किनारे काफी दूर तक जाते हैं तो ऐसे में किन किन स्थानों पर बच्चे जा रहे हैं तो इसकी पहले से कोई जानकारी नहीं हो पाई थी। जी बिल्कुल, तो अब ये देखना खास होगा कि जो 3 बच्चे हैं जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया, उनको लेकर क्या कुछ अपडेट आता है, क्या कुछ जानकारी आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।